दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। दिल्ली से बड़ी खबर, 400वां प्रकाश पर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने क्यों चुना दिल्ली का लाल किला, जानते हैं। आपको बता दें कि गुरु श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से भाषण दिया है। वे आज़ाद भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सूर्य के अस्त होने के बाद लाल किले से देश को संबोधित किया। इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का हुक्म सुनाया था और इसी कारण से 400वां प्रकाश पर्व के लिए लाल किले के आयोजन को स्थल के रूप में चुना गया। दरअसल गुरु तेग बहादुर को यह नाम उनके पिता ने दिया था। उसका अर्थ है तलवार का धनी। मुगलों के हमलों का जवाब देते समय मात्र 14 साल के इस बालक ने जो बहादुरी दिखाई थी उससे ही उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। वे पंजाब के बाहर भी लोकप्रिय रहे और उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए यात्राएं की थी। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी और उत्साहित सिख समुदाय ने भी इस पर हर्ष जताया है। यहां 400 सिख सिकंदरकार परफॉर्म करेंगे और खास लंगर की व्यवस्था की गई है। यह समारोह बीते 2 दिन से चल रहा है। पहले दिन यहां गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।